होटल राजमहल एपिसोड 10 वेरोनिका। विशाल की खुशी देखकर मल्लिका उससे मुस्कुराते हुए कहती है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है विशाल, अभी तो बस शुरुआत हुई है। भूलो मत कि तुम्हें 119 आत्माओं की अधूरी इच्छाएं अभी भी पूरी करनी है। मल्लिका की बात सुनकर विशाल का खुशी से खिला हुआ चेहरा उतर सा जाता है और वो चुपचाप जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और पल भर में वो सारी आत्माएं और मल्लिका जैसे हवा में खुलकर गुम हो जाते हैं। पूरे होटल में वहां लगी उस घड़ी की टिक टिक के अलावा विशाल को कोई आवाज नहीं सुनाई देती, पर तभी विशाल को घड़ी की टिक टिक के साथ अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है, हील्स की ठक ठक करती आवाज। और जैसे ही विशाल ऊपर देखता है तो पाता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की ने होटल में कदम रखा है। वो लड़की दूर से दिखने में काफी मॉडर्न और स्मार्ट मालूम पड़ती है। उसने हाई नेक टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई है, जिससे उसकी गोरी लंबी टांगे दूर से ही चमक रही हैं और उसके लंबे काले घने बाल कमर तक लहरा रहे हैं। उस लड़की को देखकर विशाल उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की विशाल के पास आई, विशाल को उसका चेहरा बड़ा जाना पहचाना सा लगा। विशाल उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इस लड़की को उसने कहां देखा है। वो लड़की रजिस्टर में एंट्री करती है और उसके बाद अपने होटल रूम की चाबी लेकर लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी विशाल जल्दी से रजिस्टर में उस लड़की का नाम पढ़ता है, वेरोनिका। विशाल की आंखें हैरान रह जाती हैं। तभी लिफ्ट की तरफ जाती वेरोनिका की मुंडी पूरी तरह से पलट जाती है, जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। उसके पैर भी उल्टे हो जाते हैं और वो विशाल से पूछती है, पहचाना मुझे विशाल? विशाल दहशत में वेरोनिका की तरफ देखता रह जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता। एक मिनट के लिए उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और लफ्जों ने भी उसका साथ छोड़ दिया होता है। तभी विशाल को याद आया कि उसने ये चेहरा कहां देखा है। ये तो वेरोनिका है, नहीं। तभी विशाल के दाहिने कान में उसके साथ रहने वाली रूह कहती है, ये वो वाली वेरोनिका तो नहीं हो सकती। तभी बाएं कान में दूसरी रूह बोलती है, जाकर देख लो विशाल, हो सकता है ये वही वेरोनिका हो। विशाल लिफ्ट की तरफ भागता है, देखता है लिफ्ट किस फ्लोर पर रुकी है। लिफ्ट 5वें माले पर रुकती है। विशाल दौड़ता हुआ रिसेप्शन डेस्क पर आता है और रजिस्टर में देखता है कि वेरोनिका रूम नंबर 505 में गई है। विशाल सीढ़ियों से जल्दी से 5वें फ्लोर पर पहुंचता है और उसके कदम रूम नंबर 505 के सामने रुकते हैं। दरवाजा बंद होता है। विशाल दरवाजे पर नॉक करने की सोचता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने हाथ रोक लेता है। वो मुड़कर जाने ही लगता है जब दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी हवा में एक डरावना चेहरा विशाल के सामने आता है और कहता है, मत जा उस कमरे में विशाल, वेरोनिका तुझसे नफरत करती है, तुझे मार देगी। इतना बोलकर वो चेहरा हवा में गायब हो जाता है। विशाल बड़बड़ाता है, हाँ मुझे वेरोनिका से दूर रहना चाहिए। तभी विशाल के कानों में वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर बात कर रही होती है। ना चाहते हुए भी विशाल उसके कमरे में देखने लगता है। वेरोनिका ने एक लाल रंग का शॉर्ट सिल्क गाउन पहना है। उसकी गोरी लंबी खूबसूरत टांगे और ज्यादा चमक रही होती हैं। शॉर्ट टॉप में उसकी गोरी मलाईदार गर्दन और उभारों की दरार विशाल को मदहोश करने लगती है। वेरोनिका एक हाथ से फोन पर बात कर रही होती है और दूसरे हाथ से
वो बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रही होती हैं। तुम कहाँ हो? वो फोन पर किसी को बोलती है। Feeling very hot. जल्दी आओ ना बेबी, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं आज तुम में खुल जाना चाहती हूँ। तभी विरोनिका की नजर विशाल पर पड़ती है और विरोनिका उसे घूर कर देखती है। विशाल जल्दी से वहां से जाना चाहता है, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पाता। विरोनिका अचानक से बहुत तेज चीखती है। ये चीख इतनी तेज होती है कि विशाल अपने कानों को हाथों से ढक लेता है। तभी रिसेप्शन पर लगी बड़ी सी घड़ी टन आवाज करती है। 3:30 बज गए होते हैं और विशाल अगले ही पल खुद को अपने कमरे में पाता है। थका हारा विशाल घर आते ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में विरोनिका को लेकर कई सवाल चल रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है? विरोनिका होटल राजमहल में क्या करने आई थी? विशाल को बेड पर इस तरह पड़ा देखकर उसके साथ रहने वाली दो आत्माओं में से एक ने विशाल के दाहिने कान में कहा, सो जा बेटा, वरना पागल हो जाएगा। तभी दूसरी आत्मा ने बाएं कान में कहा, हाँ हाँ तू सो, हम देख लेंगे कोई भूत आया तो। विशाल चुपचाप लेटा हुआ उन आत्माओं की बात सुन ही रहा होता है कि तभी अचानक प्रिया विशाल पर कूद पड़ी। प्रिया को वहां देखकर दोनों आत्माओं ने एक साथ कहा, लो आगे चुने, इससे तो तुम ही निपटो, हम चले। और वो दोनों आत्माएं वहां से बाहर निकल जाती हैं। प्रिया सिर्फ विशाल को लगातार किस करने लगती है। उसने सिर्फ विशाल की एक शर्ट पहनी होती है जिसके बटन भी ठीक से बंद नहीं है। उसकी गोरी गोरी टांगे विशाल के ऊपर होती हैं। प्रिया किस करते करते विशाल की शर्ट के बटन खोलने लगती है। प्रिया को अपने इतना करीब पाकर विशाल को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। प्रिया विशाल के कपड़े उतारने वक्त बोलती है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं भी ना कितनी पागल हूं, तुम ये सब मेरे लिए तो कर रहे हो और मैंने खामखा तुम पर ही गुस्सा कर दिया। तभी विशाल ने अचानक से प्रिया को बिस्तर पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अपने होठ प्रिया के होठों से मिला दिए। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। फिर विशाल ने प्रिया की शर्ट खोलकर उसे एक तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो दोनों एक जिस्म और दो जान बन जाते हैं। कुछ घंटे सोने के बाद विशाल चौंक कर जाग जाता है। उसकी बाहों में अभी भी प्रिया सोई हुई है। तभी बाएं कान वाली आत्मा विशाल से बोलती है, कब तक सोएगा कुंभकर्ण? तभी दाएं कान वाली आत्मा बोलती है, भूल गया, विरोनिका को भूल गया। तभी विशाल को जैसे मानो सब कुछ एक पल में याद आ गया हो। उसने अमन को फोन लगाया और बोला, अमन मुझे अभी मिल, नहीं चाय की टपरी पर नहीं, रेल की पटरी पर मिल। एक ट्रेन तेजी से गुजर जाती है और उसके गुजरने के बाद दूसरी पटरी पर बैठे अमन और विशाल नजर आते हैं। अमन विशाल से पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों है? अमन की बात सुनकर विशाल ने जवाब देते हुए कहा, तुझे वो विरोनिका याद है अमन? अमन विरोनिका का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। तभी विशाल घबराया हुआ बोलता है, कल रात होटल राजमहल में विरोनिका आई थी। अमन दहशत में देखता है, ऐसा कैसे हो सकता है विशाल, विरोनिका तो मर चुकी है। विशाल डरा हुआ बोलता है, वही तो, उसने मुझे पहचान भी लिया। अमन घबरा कर बोलता है, वो विरोनिका नहीं है, उसकी भटकती हुई आत्मा है। विशाल ने हां में सर हिलाया। होटल राजमहल में सिर्फ आत्माएं ही गेस्ट बनकर आती हैं। अमन दहशत में बोलता है, ऐसा तो नहीं कि पहले वो तुझे मारेगी और उसके बाद मुझे? विशाल अपना सर पकड़ लेता है, पता नहीं यार। तभी अमन उठ खड़ा हुआ, चल मेरे साथ विशाल।
विशाल ने पूछा। कहाँ? अमन के दादाजी पूजा कर रहे होते हैं जब अमन विशाल के साथ घर में घुसता है। अचानक से दादाजी पूजा से उठ जाते हैं और घूर कर विशाल को देखते हैं। मैंने कहा था ना, मेरे घर में वापस नहीं आना, क्यों आए हो तुम यहाँ? तभी अमन कहता है, मैं विशाल को आपके पास लेकर आया हूं दादाजी। दादाजी घूर कर विशाल को देखते हैं। यह अकेला नहीं आया है, वो दो आत्माएं भी इसके साथ आई हैं। विशाल के दाहिने कान में एक आत्मा फुसफुसाती है। क्या ये बूढ़ा हमें देख सकता है? तभी बाएं कान वाली आत्मा बोलती है, ये कौन सा दूध का दूल्हा है? तभी दादाजी गुस्से से विशाल को देखते हैं। इन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलो। तभी झुंझलाकर विशाल बोलता है, आप दोनों क्या कुछ देर बाहर इंतजार करेंगे? तभी विशाल को उन आत्माओं की आवाज आती है, चल भाई बंसी, चल भाई मुरली। और दो जोड़ी पैरों की वहां से जाने की आवाज सुनाई देती है। दादाजी अब एक चैन की सांस भरते हैं। बोलो अमन, क्यों लेकर आए हो विशाल को यहां? अमन कहता है, हम दोनों की जान खतरे में है। दादाजी भौचक्के होकर देखते हैं। खतरा? कैसा खतरा? अमन रोने लगता है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी दादाजी। दादाजी घूर कर अमन को देखते हैं। क्या किया तुम दोनों ने? अमन बोलना शुरू करता है। वेकेशंस के बाद उस दिन जब सब अपने अपने घर से कॉलेज आए थे, उस दिन मैंने वेरोनिका को पहली बार देखा था। वेरोनिका बहुत सुंदर थी, उसके नैन नक्श, उसके लंबे बाल, उसका गोरा बदन, उसके होठ ऐसे मानो गुलाब की पंखुड़ियां हों, और गाल जैसे कश्मीरी सेब। उसको देखकर कोई भी उसका दीवाना बन सकता था। और सबसे प्यारी थी उसकी स्माइल और उस पर पड़ने वाले डिंपल्स। बस उसे देखते रहने का मन करे। कॉलेज के हर लड़के के दिल में उसे अपना बनाने की तमन्ना थी, लेकिन वो सबसे जुदा थी, अपनी ही दुनिया में मगन। मैं भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था, और मैंने तय कर लिया कि मैं अपने दिल की बात वेरोनिका को बताकर रहूंगा। मैंने वैलेंटाइन्स डे को वेरोनिका के सामने अपने दिल का हाल बयां कर दिया। वेरोनिका, आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। ये सुनकर वेरोनिका पहले तो जोरों से हंस पड़ी और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, बाय द वे तुम हो कौन? लेकिन मैं तो जैसे उस समय अपने आपे में नहीं था। मैं अपने घुटनों के बल बैठकर वेरोनिका से बोलता गया, वेरोनिका, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? ये सुनते ही वेरोनिका गुस्से में चिल्लाकर बोली, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान मुझ पर चला गया। हाउ डेयर यू, अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? तुम्हारा और मेरा कोई मैच ही नहीं है। तुम्हारे जैसे लड़के किसी के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि किसी के नौकर बनने लायक होते हैं। हटो मेरे रास्ते से, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर। दादाजी गौर से अमन की कहानी सुन रहे थे, वहीं विशाल सर नीचे झुकाए बैठा था। अमन ने आगे बोला, मुझे वेरोनिका से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल बुरी तरह से टूटकर बिखर गया था और मैं अपने कॉलेज में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। और मैंने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को करने का फैसला किया। मैं वेरोनिका से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोचने लगा। वहीं गुस्से में अपने कॉलेज से निकलने के बाद मैं सीधे विशाल से मिला और मैंने उसे सब बताया जो मेरे साथ वेरोनिका ने किया था। अमन ने दादाजी से नजरें चुराते हुए कहा। तभी बीच में विशाल बोल पड़ा, दादाजी मैंने अमन को बहुत समझाया, भाई जाने दे, उस लड़की से दूर रहे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अमन के सर पर तो अपनी बेइज्जती के बदले का भूत सवार था। थक हार कर मैं भी दोस्ती की खातिर अमन का साथ देने के लिए मान गया। दादाजी ने गुस्से में पूछा, क्या किया तुम दोनों ने? अमन ने आगे बोला, उसी रात मैं और विशाल वेरोनिका के हॉस्टल के बाहर पहुंच गए, वहां कोई नहीं था। तभी विशाल बोल पड़ा,
मैंने अमन से कहा भी था, भाई एक बार फिर सोच ले तसल्ली से, इस सब में बुरे फंस जाएंगे। चलते हैं यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। पर दादाजी, इस अमन ने मुझे चुप कराते हुए बोला, तुझे जाना है तो जा, मैं यहाँ से बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा। दादाजी ने घूर कर अमन को देखा, अमन ने अपना सर झुका लिया। तभी विशाल आगे बोल पड़ा, अमन ने मेरी एक ना सुनी, मरता क्या ना करता, अब मैं ऐसे अमन को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता था, इसीलिए मैं भी वहीं रुक गया। तभी अमन बोल पड़ा, मैं विशाल की घबराहट देख पा रहा था और मैं जानता था कि विशाल वहां सिर्फ मेरी वजह से गया है, इसीलिए मैंने विशाल से कहा, अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं आता हूं, और हाँ जैसे ही कोई आए तो इशारा कर देना। विशाल ने जवाब दिया, ठीक है भाई, पर ध्यान से। ये तय होने के बाद कि विशाल नीचे निगरानी करेगा और मैं ऊपर जाकर अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लूंगा, मैं दीवार पर चढ़कर वेरोनिका के रूम की बैल्कनी पर पहुंच गया। अमन आगे बोलता है, मौका पाते ही मैं वेरोनिका के कमरे से जुड़ी बैल्कनी में जाकर छुप गया, और वेरोनिका के वॉशरूम जाते ही मैंने अपना DSLR कैमरा उसके कमरे में सेट कर दिया, ताकि मैं वेरोनिका के निजी पल की रिकॉर्डिंग कर सकूं, और कैमरा फिट करते ही मैं वेरोनिका के रूम की बालकनी में जाकर छिप गया। इस समय मेरे अंदर की इंसानियत और शर्म जैसे खत्म हो गई थी, मुझे बदले के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। वहीं इन सबसे बेखबर वेरोनिका टावल में लिपटी शावर लेकर बाहर निकली। वेरोनिका किसी सफेद संगमरमर की मूर्ति की तरह लग रही थी, उसके बालों से पानी ओस की बूंदों की तरह नीचे गिर रहा था, उसके बदन की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। लोशन लगाने के बाद वेरोनिका ने किसी मॉडल की तरह बहुत ही स्टाइल से रोमांटिक अंदाज में अपना टॉवल साइड कर दिया और नाइट गाउन पहन लिया। मैं वही बैल्कनी में छुपा हुआ इस दृश्य को एंजॉय कर रहा था कि तभी किसी ने वेरोनिका के रूम के दरवाजे पर नॉक किया, और मैं डर के मारे जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन जल्दबाजी में मैं अपना कैमरा वही वेरोनिका के रूम में ही भूल गया। दादाजी गुस्से से घूर कर अमन को देखते हैं, पढ़ाई करने के बजाय तू ये सब कर रहा था, बेशरम। अमन ने शर्म में अपना सर नीचे झुका लिया। तभी दादाजी ने विशाल की तरफ देखा, फिर क्या हुआ विशाल? विशाल ने झुकी नजरों के साथ ही जवाब दिया, अगले दिन मुझे अमन का फोन कॉल आया। अमन बहुत डरा हुआ था, और अमन ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया, भाई गड़बड़ हो गई, यहाँ कॉलेज में हर किसी के मोबाइल फोन में वेरोनिका का MMS है जो कल हमने रिकॉर्ड किया था। विशाल ने अमन को देखते हुए आगे कहा, यह सुनकर मैं चौंक गया और बोला, क्या? हमने नहीं, तूने रिकॉर्ड किया था वेरोनिका का वीडियो, मैंने तुझे रोका था। जिस पर अमन रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, गलती हो गई यार, लेकिन अब मैं क्या करूं? विशाल ने दादाजी को आगे बोला, मैंने अमन से पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो तो कैमरा वेरोनिका के कमरे में ही भूल आया था। जिस पर अमन ने मुझे बताया कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अमन ने कहा कि उसने ये सब नहीं किया है, उसका कैमरा तो अभी भी उसे नहीं मिला है। दादाजी अमन को गुस्से से देख रहे होते हैं, और अमन सर झुकाए रो रहा होता है। विशाल भी बहुत परेशान नजर आ रहा है। दादाजी ने कहा, आगे क्या हुआ विशाल? विशाल ने दादाजी को देखकर बोला, उसी शाम जब मैं और अमन साथ थे, तब अमन के फोन पर एक पिक्चर मैसेज आया था। उस फोटो को देखते ही अमन के होश उड़ गए थे, और फिर अमन ने वो फोटो मुझे दिखाया। विशाल रुककर अमन की तरफ देखने लगा। दादाजी ने गुस्से भरी आवाज में आगे पूछा, किसकी फोटो थी वो? तो जानिए आगे की कहानी में क्या होगा, आखिर किसकी थी वो फोटो, और क्या सच में वेरोनिका अब अमन और विशाल को नहीं छोड़ेगी?